मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। सहरसा के प्रभारी मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम व बिहार सरकार के पंचायती राज के मंत्री जो है वो सहरसा पहुंचे और सहरसा पहुंचने के बाद जो है सहरसा के विकास भवन में तमाम पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में सभी जो लोग थे वो सवाल भी खड़ा किए, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे वो भी इस बैठक में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से सहरसा के विकास भवन की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से जो सहरसा के प्रभारी मंत्री है मुरारी प्रसाद गौतम जो है वो सहरसा पहुंचने के बाद जो है समीक्षा बैठक की है। इस दौरान जो तमाम जो पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, चाहे स्थानीय लोग हो चाहे वार्ड पार्षद हो, सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे और सभी लोग अपनी अपनी समस्या को मंत्री के सामने रख रहे थे। वहीं तमाम विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे और इस विभाग के अधिकारियों की कई लापरवाही भी देखी गई है, जिससे फटकार भी लगाया जा रहा है। समाधान की जो बात है वो कही जा रही है, जल्द से जल्द जो समस्या है उस सभी समस्या को का समाधान करने की बात जो है इस जो मीटिंग में कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रभारी मंत्री है वो सहरसा पहुंचने के बाद जो है सहरसा के में समीक्षा बैठक की है। इस दौरान पहले जो प्रभारी मंत्री है वो क्या कुछ कह रहे हैं और जो सहरसा के सदर के जो बीजेपी विधायक है वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुने। नहीं, आज देखिए प्रभारी मंत्री के साथ जिला के विकास कार्यों का समीक्षा किया गया। कई प्रकार की गड़बड़ियाँ, चाहे वह कृषि विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, अन्य कई विभाग हैं जिसमें कि सारे लोग उसमें जो भी गड़बड़ियाँ थी उन बातों को उठाया गया। हम लोगों ने अपनी बात को रखा है कि राज्य सरकार के अंदर जो भी ये भ्रष्टाचार जहाँ भी है, उनके तो कृषि मंत्री स्पष्ट कहे हैं कि कृषि विभाग में कितना भ्रष्टाचार है। हमने कहा कृषि पदाधिकारी को कि जब आपके मंत्री कहे तो आपको समझना चाहिए कि आपके अंदर का भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा। और हमको लगता है कि हम अपने प्रभारी मंत्री को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी गड़बड़ियाँ हैं उसको दूर करें और यदि सरकार के तरफ से नहीं किया जाएगा, जिला प्रशासन के तरफ से उस गड़बड़ियाँ को दूर नहीं किया जाएगा तो उसके लिए हम लोग मजबूत विपक्ष के रूप में मजबूत हैं, खड़ा हैं। और सरकार जहाँ भी गड़बड़ी करेगी, सरकार के पदाधिकारी जहाँ भी भ्रष्टता करेंगे, उसको पकड़ने के लिए, उसको शिकंजा टाइट करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सभी विभागों की समीक्षा की गई, कुछ विभागों के द्वारा देखी गई, कहीं कहीं कुछ कमियां पाई गई हैं, उन सब पे जो भी यहाँ पदाधिकारी उपस्थित हैं सभी को निर्देशित किया गया है कि कोई भी कार्य में कहीं भी किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सारे विकास कार्य जो हैं अग्रतर सही तरीके से हो, धरातल पे सही तरीके से सारी योजना धरातल पे उतरे, इन सारी चीज़ों की समीक्षा की गई। निश्चित तौर पे सहरसा का जो लगभग सभी डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ आपको सुनवाई किया गया, जो कुछ ना कुछ कमी है अधिकारी की लापरवाही है। अब आप यहाँ कर यहाँ के जो प्रभारी हैं तो क्या आगे की कार्रवाई रहेगी? अधिकारियों की अभी लापरवाही उस तरह से सीन नहीं, कहीं कहीं कुछ बातें आई हैं, हम लोगों ने कहा है संज्ञान में लिया गया है, उसकी जांच कराई जाएगी, अगर उसमें पदाधिकारी लापरवाह पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई भी होगी। इस तरह की बैठक आगे भी आप कंटिन्यू रखेंगे? निश्चित तौर पर हमेशा बैठक की जो क्रियान्वयन समिति की बैठक होती है हमेशा होती रहती है, मैं आने वाले समय में आते रहूँगा और इस तरह की समीक्षा बैठक होती रहेगी। सर एक रेलवे तो आपने सुना क्या कुछ जो सहरसा के प्रभारी मंत्री है मुरारी प्रसाद गौतम वे क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अगर अधिकारियों की लापरवाही होगी तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो जनता की समस्या है वो सभी समस्या को दूर करने का निर्देश दिया गया है, जल्द से जल्द समस्या को दूर करने का जो निर्देश है वो दी गई है। सभी विभाग के अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, कई अधिकारी को फटकार भी लगाई, अधिकारी को फटकार लगाई, कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर जो फटकार है वो लगाई गई है। साथ ही साथ जनता भी वहाँ पर मौजूद थे, उन सभी ने अपनी अपनी समस्या को मंत्री के सामने रखा। इस दौरान जो बीजेपी के विधायक है डॉक्टर आलोक रंजन, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष लगातार नज़र रख रही है, ऐसे जो अधिकारी होंगे जो काम नहीं करेंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उन पर भी नज़र रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सहरसा पहुँचे सहरसा के प्रभारी मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम
और जो बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री है वो सहरसा पहुँचे हुए थे। सहरसा पहुँचने के बाद जो है समीक्षा बैठक की, तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सहरसा के कई गणमान्य लोग भी पहुँचे थे, वार्ड पार्षद भी थे और जो जिला पार्टी के जिला अध्यक्ष थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और सभी अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि उम्मीद है कि आगे जब समीक्षा बैठक होगी तो ये सभी समस्या दूर हो, इसको लेकर जो निर्देश है वो दिया गया है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।